हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टेंट ठंडाई मसाला बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने गैस पे पैन गरम करने के लिए रखा, गैस को बिल्कुल मैंने स्लो करके रखा है। इसी के अंदर मैं आधा कप बादाम डाल रही हूँ, 1/4 कप इसके अंदर मैं काजू डाल रही हूँ, 1/4 कप पिस्ता। इन तीनों चीजों का 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। मुझे इसे इस तरह से रोस्ट करते हैं, 5 मिनट का समय हो चुका है। सिर्फ हमें इतना ही रोस्ट करना है कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, बस इसीलिए हम इसे रोस्ट करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी नमी है पूरी हमारी निकल जाए। मैंने तरबूज के बीज लिए हैं, आप खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं, कोई भी, मतलब दोनों में से जो आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। मैंने 1/4 कप तरबूज के बीज लिए। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, बंद गैस में ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच खसखस लिए, इसे भी इसके साथ ना मिक्स कर दीजिए। 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ, ये सारी चीजें मैं गैस बंद करने के बाद ही डाल रही हूँ ताकि जो पैन है हमारा गर्म है उसी के अंदर ये रोस्ट हो जाएगी। 15 काली मिर्ची, मैंने 4 से 5 इलायची के दाने लिए, 1/2 चम्मच जायफल का पाउडर, इसे भी ऊपर मिक्स कर देते हैं। 1/2 कप मैंने सूखी हुई गुलाब की, देसी जो गुलाब आता है उसकी पत्तियां ली, इसे मैंने घर में ही सुखाया है। इसे मैंने थाली के अंदर पूरा फैला कर फैन के नीचे रख दिया था, 2 दिन के अंदर इस तरह से ड्राई हो जाती है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ड्राई हो गई है। लेकिन आपको पत्तियां जो लेना देसी गुलाब की ही लेनी है, दूसरे गुलाब की पत्तियां आपको नहीं लेनी है। एक चुटकी इसके अंदर मैं केसर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर इसे आप व्रत में नहीं खा सकते, ना खा सकेंगे ना इसे पी सकेंगे। इन सारी चीजों को आप अच्छे से ठंडा कर लीजिए क्योंकि अभी हल्की सी गर्म है। एकदम अच्छे से ही हमारा ठंडा हो चुका है, इसे मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इसे आपको ठंडा करना जरूरी है। मिक्सी को आप रुक रुक के चलाइए, कंटिन्यू बिल्कुल भी मत चलाइए, नहीं तो इसका ऑयल निकल जाएगा तो पूरा पाउडर जो हमारा खराब हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा इसका ये पाउडर बन के तैयार हो, बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है और आसानी से पीस भी गया है। सेकने से ये होता है कि अच्छे से पाउडर हमारा पीस के तैयार हो जाता है। इसे आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज के अंदर अगर रखेंगे तो इसे आप 4 से 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा हमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना टेस्टी बनता है ये कि इसे आप जल्दी ही खत्म कर देंगे। और गर्मियों में तो ठंडाई पाउडर हमें जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसमें सारी चीजें हमने वही डाली है जो हमारे शरीर को ठंडक दे। इसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ी सी सूखी गुलाब की पत्तियां डाल रही हूँ, अगर आपके पास रखी हुई तो जरूर डालिए, इससे काफी बढ़िया टेस्ट भी अच्छा आता है, दिखने में भी काफी सुंदर दिखती है। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 4 चम्मच ठंडाई का पाउडर डाल रही हूँ, इसके अंदर मैं 1/2 ग्लास दूध डाल रही हूँ ताकि हमारा अच्छे से भीग जाए। इसे हमें 10 से 15 मिनट भिगो कर रखना है। मुझे इसे इस तरह से भिगो कर रखे हुए 15 मिनट का समय हो चुका है। देखिए सारी चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छे से फूल भी गई है और ये दूध जो हमने इसमें डाला था गाढ़ा भी हो गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे आपको केसर की पत्तियों का कलर भी नजर आएगा। मैंने सेम मिक्सी का जार लिया है, इसी के अंदर हम सारी चीजें डालते हैं। आप चाहें तो इसी समय इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं, शक्कर मिश्री खांड जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दूध मैंने एकदम ठंडा लिया है, ठंडे दूध को ही मैंने मीठा कर लिया था, इसके अंदर मैंने मिश्री डाल के इसे मीठा कर लिया था। इसी के अंदर मैं 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ, 1 ग्लास के अंदर आपको 2 चम्मच पाउडर डालना है। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे,
काफी अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, सारी चीजों का कलर इसमें अच्छे से नजर आ रहा है। इसे हम इसमें डाल देंगे। इसी के अंदर मैं एक एक दो दो केसर के धागे जो रहते हैं इसे डाल रही हूँ। थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियां, अगर आपके पास गीली है तो आप गीली भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ठंडाई बनके तैयार हो चुकी। ठंडाई पाउडर भी बनके तैयार हो गया, साथ में हमारी ठंडाई भी, बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है। इसे आप पाउडर को बना के रख लीजिए, उसके बाद इसे बनाइए। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। बस इसे बनाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। गैस आपका बिल्कुल लो रहना चाहिए, अगर गैस आपका तेज रहेगा सारी चीजें अगर हमारी जल जाएगी तो किसी भी चीज का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा, सिर्फ कड़वा टेस्ट आएगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं आएगा। शुगर आपको अपने हिसाब से डालना है, कितना आप पसंद करते, कितना मीठा आप चाहते उस हिसाब से इसे डाल सकते हैं। बिल्कुल सरल और आसान तरीके से मैंने ये ठंडाई बनाना आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।